ये लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है जो इसके मेंटेनेंस की रिस्पांसिबिलिटी मैकेनिकल इंजीनियर की रहती है, उसके अंडर में लॉन्ड्री टेक्नीशियन आते हैं। लॉन्ड्री टेक्नीशियन की रिस्पांसिबिलिटी रहती है इसका मेंटेनेंस करने की, ठीक है। हमारे पास इस डिपार्टमेंट में लॉन्ड्री वाला एरिया, फर्स्ट एरिया में आता है वॉशिंग, दूसरा आता है ड्रायर एरिया, तीसरा आता है प्रेस एरिया, आयरन एरिया, चौथा आता है फोल्डिंग मशीन एरिया। तो हम लोगों का फर्स्ट ये एरिया है वॉशिंग एरिया, जिसमें हमारे पास तीन तरह की वॉशिंग मशीन है। ये गिरबाओ की है, 55 केजी की है। दूसरी है हमारे पास मिलनोर है, ये 250 केजी की है। तीसरी है प्रीमस, 100 केजी की है। और वो लिक्विड केमिकल्स हैं या लिक्विड डिटर्जेंट्स बोल सकते हैं, जो ऑटोमेटिक ये वॉशिंग मशीन में वो फील होते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। ये हम लोगों की पहली वॉशिंग मशीन है, गिरबाओ कंपनी की है। और गिरबाओ कंपनी की वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए इसमें चार लाइनें हैं। फर्स्ट है कोल्ड वाटर, दूसरा है हॉट वाटर, और तीसरा है स्टीम, चौथा है लिक्विड डिटर्जेंट। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। उससे पहले ये इसके फ्रंट पे, गिरबाओ वॉशिंग मशीन के फ्रंट पे पैनल पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ये तो फ्रंट पे फ्रंट डोर है, उसके बाद इसका स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, इसका है इमरजेंसी स्विच, कुछ भी हो गया तो इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए है। और इसका प्रोग्रामिंग पैनल है ये, ठीक है। अब इसमें वॉश का प्रोसेस चार है, प्री वॉश, ये फर्स्ट वाला जो है प्री वॉश है, सेकंड वाला है वॉश है, तीसरा वाला है रिंस है, चौथा वाला है एक्सट्रैक्ट है। तो ये चार इसमें स्टेजेस है वॉशिंग करने के, जो ये अभी जो वॉश हो रहा है ना, इसमें चार स्टेज है इसमें। और उसके बाद इसके बैक साइड पे आप देखेंगे, बैक साइड पे एक स्टीम लाइन है। ये स्टीम लाइन आ रही है कहाँ से? बॉयलर से। ये बॉयलर से आ रही है स्टीम लाइन। अब ये स्टीम लाइन पे सोलेनट वॉल है, एज पर रिक्वायरमेंट हमको कितनी स्टीम चाहिए इसकी सेटिंग रहती है, 3.5 बार, 3 बार या 4 बार। एक कोल्ड वाटर लाइन है, ये हम लोगों का कोल्ड वाटर लाइन है, एक हॉट वाटर लाइन है। तो ये हो गया। और चौथा लाइन आ रहा है लिक्विड डिटर्जेंट का, जो इसमें है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लिक्विड डिटर्जेंट है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4। और इसकी चेकलिस्ट लगी हुई है वॉशिंग, गिरबाओ वॉशिंग मशीन की। ये चेकलिस्ट में चेक लुब्रिकेंट सिस्टम, चेक सप्लाई लाइन फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर, चेक एंड टाइट लूज नट बोल्ट इफ एनी, क्लीन द यूनिट थ्रोली, चेक कंट्रोल, सेंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और इसका टेम्परेचर चार्ट है, इसका कितना कितना टेम्परेचर है। इसका PPM कार्ड है वॉशिंग मशीन का, गिरबाओ वॉशिंग मशीन का PPM कार्ड है। और वॉशिंग होने के बाद ये ड्रेन वाला है, ड्रेन जाता है इसमें वॉशिंग होने के बाद, जितना भी गंदा इसका पानी है सब इसमें ड्रेन हो जाता है। ये ड्रेन लाइन है। तो यहाँ पे चार लाइन है, एक स्टीम लाइन, दूसरी है कोल्ड वाटर लाइन, हॉट वाटर लाइन और लिक्विड डिटर्जेंट, और पांचवी है ड्रेन लाइन। और इसके बैक साइड में मोटरें हैं, दो मोटर है, हाई स्पीड और लो स्पीड, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। गिरबाओ वॉशिंग मशीन का टेक्निकल डिटेल इसमें मेंशन है, मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, कैपेसिटी 55 केजी है, आरपीएम 465 है, एनर्जी नेट वेट 1100 केजी की है, ये है, फेस 3 फेस है, कंट्रोल सर्किट 220 है, वोल्टेज 220 380 है, ये सब है। और बेल्ट का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, बेल्ट पुली का अरेंजमेंट दिखाया गया। लॉन्ड्री टेक्नीशियन रूटीन चेकिंग में सबसे पहले इसका साउंड चेक करेगा, नॉर्मल साउंड आ रहा है कि अब नॉर्मल साउंड आ रहा है।
इस वॉशिंग मशीन का अगर अबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो वो ये चेक करेगा कि बेल्ट से आ रहा है या बेरिंग से आ रहा है या ड्रम बेरिंग से आ रहा है। और उसके बाद इसके स्ट्रीम लाइन को चेक करेगा। ये स्ट्रीम लाइन है पहले नंबर पे, ये फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन को चेक करेगा, यहाँ पे लीक तो नहीं है ऊपर से नीचे तक। फिर उसके बाद कोल्ड वाटर लाइन है, उसको चेक करेगा। ये कोल्ड वाटर लाइन है, इसका स्ट्रेनर है, यहाँ से लीक तो नहीं है। हॉट वाटर लाइन है, उसका स्ट्रेनर है, वहाँ लीक तो नहीं है। उसके बाद लिक्विड लाइन को चेक करेगा, लिक्विड डिटर्जेंट लाइन को, इसमें कुछ लीक तो नहीं है। लास्ट में इसके ड्रेन को चेक करेगा। इसका मेन रूटीन चेकिंग में ये रहेगा। उसके बाद PPM कार्ड है और उसमें आके साइन करेगा। ये इसका PPM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्ड है। जनरल कंडीशन मेंटेनेंस कैरिड आउट रिमार्क टेक्नीशियन सिग्नेचर, टेक्नीशियन नेम एंड सिग्नेचर। ये दूसरे नंबर की वॉशिंग मशीन है मिलनोर। इसकी कैपेसिटी 250 kg है और इसमें दो डोर है, एक फ्रंट साइड है एक बैक साइड है और ड्रम एक है। और इसमें भी इसको चलाने के लिए हमको एक स्टीम लाइन चाहिए, दूसरा हॉट वाटर लाइन, तीसरा कोल्ड वाटर लाइन, चौथा डिटर्जेंट, पांचवा एयर भी चाहिए जो नॉन मेडिकल एयर कंप्रेसर रूम से हम लोगों का इसमें आता है, क्योंकि एयर से ही ये डोर न्यूमेटिक डोर है जो एयर से ही ओपन एंड क्लोज होते हैं। मिलनोर वॉशिंग मशीन में सबसे पहला ये फ्रंट गेट है जो न्यूमेटिक एयर से ही ओपन एंड क्लोज होता है। ये डोर है, इसमें दो डोर है, ये फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है, ठीक है। इसमें ड्रम है, एक ड्रम है। और उसके बाद ये इसका कंट्रोलर है, ये इसका स्टेबलाइजर है, ये पैनल है, इसके अंदर स्टेबलाइजर सिस्टम लगा हुआ है। और इसके साइड वाले में लिक्विड डिटर्जेंट सिस्टम लगा हुआ है पूरा, ये देखें। और उसका ये कंट्रोलर है, लिक्विड डिटर्जेंट सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है, यहाँ से ऑटोमेटिक लिक्विड डिटर्जेंट इसके अंदर आता है। और ये जो दिख रहा है सामने ऊपर की तरफ, ये कोल्ड लाइन है और इस साइड में हॉट लाइन है और ये स्ट्रीम लाइन है। और ये ब्लू कलर का न्यूमेटिक हवा के लिए लगा हुआ है, एयरलाइन है। और ये स्ट्रीम लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ये स्ट्रीम लाइन है, इसके अंदर कनेक्टेड है। अब इसके टॉप लेवल पे आप देखेंगे ये हम लोगों का कोल्ड लाइन वाला सिस्टम है। ये हाइड्रोलिक वॉल लगे हुए हैं और उसके बाद उधर कोल्ड लाइन है। ये हम लोगों का कोल्ड लाइन है जिसमें हाइड्रोलिक वॉल लगे हुए हैं और उस साइड हॉट लाइन है। और ये स्टीम लाइन है, ये जो दिख रहा है ये स्टीम लाइन है और ये एयर लाइन है ऑटोमेटिक डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए। ये मोटर है और ये बेल्ट है जो ड्रम से कनेक्टेड है ड्रम को मूविंग करने के लिए। और पीछे बैक साइड में इसका डिस्क ब्रेक है, ये मोटर है, उसके साइड में बेल्ट है, दूसरे साइड में डिस्क ब्रेक है। सेम गाड़ी का जैसे ब्रेक होता है ना वैसे ही ये भी हम लोगों का डिस्क ब्रेक है। ये हम लोगों का प्रिमस वॉशिंग मशीन है, ये तीसरे नंबर का वॉशिंग मशीन है। इसकी कैपेसिटी है 100 kg। इसका मॉडल नंबर सब कुछ मेंशन है और इसका पूरा कंट्रोल है यहाँ पे इमरजेंसी है। और इसमें भी चलाने के लिए स्टीम लाइन, कोल्ड वाटर लाइन, हॉट वाटर लाइन और एयर, ये देखें ये एयर लाइन है, ब्लू में एयर लाइन है, ये स्टीम लाइन है, एक कोल्ड वाटर लाइन है, एक हॉट वाटर लाइन है। और इसका बैक साइड में डिटर्जेंट सिस्टम लगा हुआ है। इसमें भी दो डोर है, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। और इसमें भी इधर डिस्क ब्रेक है जो ड्रम से कनेक्टेड है। और मोटर नीचे की तरफ में है, यहाँ पे ये मोटर वाला इलाका है, ये ड्रम है।